तो ये बात है कल शाम की, जब मैं गेम खेल के रख ही रहा था कि तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे, और आपके साथ ऐसा ना हो, और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो कल मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो के आगे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो कल शाम को मैं गेम खेल के रख ही रहा था कि तभी मेरे साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्या हुआ कैसे हुआ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल शाम को जब मैं गेम खेल रहा था, मतलब गेम खेल के रखने ही वाला था मोबाइल को, तब मैंने देखा कि वहाँ पर वर्ल्ड चैट में एक बंदे ने कुछ भेजा था। तो उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ का यूज़ किया, उसके बाद फिर मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ कि मैं बता नहीं सकता लेकिन बताना पड़ रहा है। तो मेरी आईडी जो थी, जो मेरी आईडी है 4DSIGL की, वो मतलब एकदम पूरा उसका एक्सेस पूरा चला गया था किसी और बंदे के पास। तो मैं पूरा एकदम घबरा गया था, मतलब भाई कोई भी घबरा जाएगा अगर उसकी आईडी चली जाएगी। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या हुआ था। तो एक बंदे ने वर्ल्ड चैट पे ऐसे एक लिंक दिया था और मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब ऐसे मैसेज में पूछा कि ये क्या है। तो उसने बोला कि ये मतलब टूर्नामेंट रजिस्टर करने वाला है, और फिर बोला कि यहाँ से तुम डायमंड भी ले सकते हो। तो फिर मेरे को शक हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है देख लेते हैं देखने में क्या जाता है, ऐसे थोड़ी आईडी चला जाएगा। तब मैंने वहाँ से वो लिंक कॉपी किया, और लिंक कॉपी करने के बाद उसको क्रोम पे डाला। तो उसके बाद फिर एक वेबसाइट खोला, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ परमिशंस मांग रहा था। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, परमिशंस तो हर वेबसाइट और हर ऐप मांगता है। तो फिर मैंने परमिशंस दिया, उसके बाद फिर मेरे को वहाँ पर एक कुछ ऐसे दिखा कि मतलब जैसे एग्री, पहले फिर से बहुत सारा एग्री आया। तो फिर मेरे को शक हुआ कि मेरे को लगा कि भाई इतना एग्री थोड़ी आता है, फिर तब भी मैं कर दिया, भाई मेरी गलती थी क्या करूँ। तो फिर मेरे स्क्रीन पे एक टूर्नामेंट आया जिसका विनिंग प्राइस था 50,000 रुपीज़। तो उस पर रजिस्टर करने के लिए कुछ कोई भी अमाउंट नहीं मांग रहा था। तो मैंने बोला चलो सही है भाई, फ्री में खेल लेते हैं टूर्नामेंट। वह पैसे के लिए नहीं खेल रहा था, मतलब जैसे टूर्नामेंट होता है ना, तो मैं सोचा चलो खेल लेते हैं एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर उसमें कुछ डिटेल्स मांगी गई, जैसे डिवाइस का नाम मांगा गया, डिवाइस का मॉडल मांगा गया, और सारी डिटेल्स मांगी गई, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो उसमें मैंने दे दिया, ठीक है, उसमें मैंने सोचा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने बैक कर लिया उस वेबसाइट से, और रजिस्टर करने के बाद मैंने वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं किया, जैसे पासवर्ड और या कुछ ही। और लेकिन फिर कुछ देर बाद मेरे को, जब मैं सोने जा रहा था, तो मुझको मेल आया कि योर फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड विथ अनदर डिवाइस, ऐसे कुछ आया था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई खेल रहा होगा, मेरा भाई भी खेलता है मेरे आईडी से, तो ठीक है मेरे को लगा नॉर्मल होगा, ठीक। फिर मैं सुबह उठा, फिर सुबह उठने के बाद फिर मेरे को दिखा कि मतलब मैं गेम ही नहीं, मतलब अपना फेसबुक आईडी ही नहीं लॉगिन कर पा रहा, वहाँ पासवर्ड चेंज बता रहा है। तब मेरी फट गई, रियली तब मेरी फट गई, क्योंकि मेरे आईडी में वैसा कुछ रेयर तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई देखो इमोशन रहता है कि 2 साल से 3 साल से एक ही आईडी में खेल रहा हूँ, तो इमोशन रहता है। तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरी आईडी हैक हो चुकी है। तो मैंने वहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश की, फिर मैं 2-3 घंटे तक रिकवर करने की कोशिश करता रहा। फिर बाद में जाके, फिर कुछ घंटों के बाद, फिर वहाँ पर मैं वो सही से वो आईडी हैक नहीं कर पाया था। एक बात बता दूँ आपको, सही से वो आईडी हैक नहीं हो पाई थी, ठीक। तो मैंने वहाँ पर रिकवर कर लिया सही से, ठीक है। रिकवर करने के बाद फिर मैंने वहाँ पर पूरा 2-स्टेप वेरिफिकेशन सब लगा दिया फेसबुक वाले अपने अकाउंट पे। तो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद तो फटी ही थी मेरी तो फटी ही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई भी लिंक दे तो उसको क्रोम पे जाके पेस्ट करके कुछ भी इधर उधर मत करना, ठीक है। अगर तुम खोल भी दोगे तब भी तुम्हारा रिस्क बना रहता है कि अगर तुम्हारी आईडी चली जाएगी। तो प्लीज़ कोई भी अगर तुमको लिंक मिले फ्री फायर में, कोई भी बंदा दे, तो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि लिंक पे तुम्हारी आईडी हैक कर सकते हैं वो लोग लिंक से, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम सिर्फ आईडी पासवर्ड दोगे तभी वो हैक कर सकते हैं, लिंक से भी वो आईडी पासवर्ड हैक कर सकते हैं तुम्हारा। तो जब मेरा आईडी पासवर्ड एकदम रिकवर हो गया तब मैं एकदम खुश हो गया, तो उसके बाद फिर मैं आपसे बताने आ गया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने फ्री फायर खेलने वाले फ्रेंड्स के साथ, ताकि उसके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।